तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले गुरुवार यानी कि 27 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी प्रभास की फिल्म कल्कि। और दोस्तों, कल्कि फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो वाकई देखने लायक और काबिल तारीफ है, क्योंकि कल्कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई ही नहीं की बल्कि एक इतिहास रचा है और वाकई उन बड़ी फिल्मों में अपना नाम इस फिल्म ने लिखवाया है जो कि बड़ी फिल्में थी जिन्होंने 1000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है। और मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम में ये फिल्म अभी भी और बहुत बड़ी कमाई करने वाली है। हालांकि कल इंडियन 2 और इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं फिल्म के कलेक्शन में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिल्म का सैटरडे और संडे तो अभी बाकी है, यानी कि यह फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़ा करने वाली है, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन में अभी तक हमें कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, फिलहाल कल की फिल्म ने सिनेमाघरों में 14 दिन पूरा कम्प्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 15वां दिन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कल्कि अपने पहले 14 दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम सभी भाषाओं में यह फिल्म कितनी कमाई कर चुकी है, और वहीं आज फिल्म का जो 15वें दिन का कलेक्शन है वो कितना आने वाला है, और फिल्म की 15 दिनों की टोटल कमाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप प्रभास को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें फिल्म कल्कि की, तो फिल्म का बहुत ज़्यादा फैंस को इंतजार था और अब जब यह इंतजार खत्म हुआ है तो वाकई हर किसी को यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और कल्कि वाकई एक शानदार फिल्म थी। अगर कल्कि फिल्म की हम बात करें तो यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म थी जिसको इंडिया के अंदर 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा और मलयालम में। और ये एक इपिक साइंस फिक्शन एक्शन बड़ी फिल्म थी जिसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए का था। फिल्म को डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था सी अश्विन दत्त ने। और फिल्म जब रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 98 करोड़ रुपये पूरे इंडिया से नेट कमाए थे। तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो लगभग 191 करोड़ 50 लाख रुपये की थी। फिल्म को 4 दिनों का वीकेंड मिला था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। तो संडे तक फिल्म ने अपने पहले 4 दिनों के वीकेंड पर 324 करोड़ 15 लाख रुपये इंडिया से नेट कमा लिए थे। तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो 555 करोड़ रुपये हो गई थी। उसके बाद फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो 493 करोड़ 59 लाख रुपये इंडिया से नेट हो गया था। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 860 करोड़ रुपये कमा लिए थे। 11वें दिन दूसरे संडे को फिल्म ने कमाए थे 45 करोड़ 30 लाख रुपये। 12वें दिन अपने दूसरे मंडे को फिल्म का कलेक्शन था 144 करोड़ 70 लाख रुपये का। 13वें दिन फिल्म ने कमाए थे 9 करोड़ 15 लाख रुपये। तो फिल्म अपने पहले 13 दिनों में 562 करोड़ 74 लाख रुपये कर चुकी थी सभी भाषाओं में। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 667 करोड़ रुपये हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 288 करोड़ रुपये। और कुल मिलाकर फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 13 दिनों में 955 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी जो कि एक काबिले तारीफ कमाई थी। अब दोस्तों, 14वें दिन फिल्म ने 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। और आज अगर हम बात करें 15वें दिन की, तो आज भी ये फिल्म कम से कम 8 करोड़ रुपये की कमाई कर रही है और फिल्म की जो 15 दिनों की टोटल कमाई है वो 15 करोड़ 78 लाख रुपये इंडिया से नेट हो रही है। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 985 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। और दोस्तों, हम कहते हैं कि कल की फिल्म का जो 16वां दिन है यानी कि फिल्म का कल बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि कल हो सकता है ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए और उसके बाद सैटरडे और संडे तो अभी बाकी है। तो फिल्म मुझे लगता है कि कम से कम 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा तो जरूर पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रभास की फिल्म कल की 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी अपने लाइफ टाइम में या फिर नहीं? दोस्तों, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।